दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है, जिसका नाम है लर्न एचवीसी। आज हमारा टॉपिक है सीपीवीसी पाइप। सीपीवीसी पाइप क्या होता है, कौन से मैन्युफैक्चरर इसको बनाते हैं, कैसे बनता है और क्या स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, क्या थिकनेस होती है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप समझते हैं सीपीवीसी पाइप क्या होता है। सीपीवीसी पाइप स्टैंड फॉर क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक होता है, जिसको हम लोग पीवीसी रेजिन के क्लोरिनेशन करने से बनाते हैं। पीवीसी में क्लोरिनेशन में क्या करते हैं हम, कि क्लोरीन का जो कंटेंट होता है पीवीसी रेजिन के अंदर, वो हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। पीवीसी रेजिन के अंदर जो क्लोरीन का कंटेंट होता है कम होता है, और जब क्लोरिनेशन करते हैं तो उसका कंटेंट अराउंड 70% तक हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, जिससे वो सीपीवीसी पाइप बन जाता है। ये जो परसेंटेज होता है वेरी करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, और किस यूज के लिए पाइप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, बट अप्रॉक्स देखेंगे तो 70% रहता है, और कहीं कहीं पे 73-74% तक भी रहता है। इसका जो सीपीवीसी पाइप है, इसका यूज हम लोग हॉट और कोल्ड लिक्विड दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये हॉट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है मैक्सिमम 93 डिग्री सेल्सियस तक का फ्लूइड को ये फ्लो कर सकता है विदाउट एनी इशू। 93 डिग्री सेल्सियस पे भी सीपीवीसी पाइप है अराउंड 4-5 केजी का प्रेशर हैंडल कर सकता है। इसको हम लोग करोजिव वाटर को भी मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वेल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी या सीमेंट जॉइंट सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर एक एडहेसिव आता है जो डायरेक्टली आपको फिटिंग के साथ इसमें लगाना है और फिट कर देना है, तो इसका जो इंस्टॉलेशन होता है बहुत ईजी होता है, और इसका वेट भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। साइट पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि थेफ्ट का, जो आप सामान लेके आए हैं वो चोरी हो जाता है साइट पे। तो क्यों चोरी इसके लिए होता है, क्योंकि उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट सीपीवीसी पाइप में ऐसा कुछ नहीं है। सीपीवीसी पाइप का जो वैल्यू अगर मार्केट में आप सेल करने जाएंगे तो वो बहुत कम मिलता है, मतलब कि इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम होता है, प्लास्टिक के रेट से आपको मिलेगा, तो इसकी वजह से साइट पे चोरी होने का भी डर बहुत कम रहता है। जो IS कोड हम लोग यूज करते हैं वो 15778 यूज करते हैं, और ASTM D2856 हम लोग प्लम्बिंग के लिए प्लम्बिंग डिजाइन पाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो इसके सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर जो इंडियन मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे, ये 6-7 मैन्युफैक्चरर हैं, इनके पाइप्स इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। पहला है सुप्रीम, एस्ट्रल, प्रिंस, फिनोलेक्स, अजय, आशीर्वाद और प्लास्टो, ये 6-7 मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पाइप इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। जो सीपीवीसी पाइप आप देखेंगे तो इस तरीके का दिखता है, इसका जो कलर है वो अराउंड व्हाइट कलर का दिखता है, और उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइनिंग रहती है, उसके ऊपर ISI का मार्क रहता है, और उसके ऊपर IS कोड लिखा रहता है, क्या साइज है पाइप का वो साइज लिखा रहता है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं सीपीवीसी पाइप के लिए, जिसमें आपको ये 15778 2007 ये आपको याद रखना है कि सीपीवीसी पाइप के जो पाइप होती है उसके लिए ये IS कोड यूज होता है, और ASTM 2840 हम लोग जो प्लम्बिंग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वहां पे ये स्टैंडर्ड यूज होता है। अब हम देखते हैं कि पाइप का थिकनेस क्या होता है और इसका मार्केट में अवेलेबिलिटी कैसी होती है। आप मार्केट में अगर जाएंगे 20mm पाइप साइज बोलेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि थिकनेस क्या है, या तो उसके कौन से रेटिंग का पाइप आपको चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग दो रेटिंग यूज करते हैं, टिल 50mm हम लोग SDR का स्टैंडर्ड SDR यूज करते हैं, और उसके ऊपर जो है शेड्यूल यूज करते हैं। दो अब क्या SDR क्या होता है, SDR होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो। ये हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि जो पाइप का आउटसाइड डायमीटर होता है डिवाइडेड बाय पाइप का थिकनेस। मार्केट में आप देखेंगे तो जो प्लम्बिंग के लिए SDR 11 और SDR 13.5 सबसे ज्यादा यूज होता है, और मार्केट में आपको SDR 9 की भी पाइप मिल जाएगा और SDR 17 का भी पाइप मिल जाएगा, बट जो प्लम्बिंग में हम यूज करते हैं वो SDR 11 और SDR 13.5 यूज करते हैं। टिल 50mm तक, टिल अगर सीपीवीसी पाइप 50mm तक का जो पाइप होता है उसके लिए हम लोग SDR यूज करते हैं। अभी SDR क्या होता है, SDR में क्या होता है, अब SDR में क्या होता है कि थिकनेस डिसाइडेड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो रेशियो बिटवीन आउटसाइड डायमीटर एंड वॉल थिकनेस, मतलब इसका जो आउटसाइड डायमीटर है डिवाइडेड बाय वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SDR रेटिंग।
क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको पाइप की थिकनेस जितनी ज्यादा रहेगी एसडीआर वैल्यू उतना कम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एसडीआर 11 का जो पाइप है उसकी थिकनेस ज्यादा रहेगी कंपेयर टू एसडीआर 13.5 के, एसडीआर 9 का जो पाइप होगा उसका थिकनेस ज्यादा रहेगा कंपेयर टू एसडीआर 11। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 15 mm का जो पाइप है उसको उसका हम देखते हैं। 15 mm का जो मैक्सिमम आपको थिकनेस मिलेगा 2.2 मिलेगा और जो इन जनरल थिकनेस मिलता है 1.7 मिलता है, 1.7 टू 2.2 मिलेगा। अब सेम 15 mm का पाइप अगर हम 13.5 HDR में जाते हैं तो वहां पे 1.4 टू 1.5 देखेंगे थिकनेस अपने आप रिड्यूस हो गया। सेम अगर आप 50 mm में देखेंगे तो 4.9 से 5.5 के बीच में आपको मिलेगा, बट अगर आप 13.5 में जाएंगे तो देखेंगे 4 टू 4.6 mm मिलेगा। मतलब आपकी पाइप थिकनेस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो HDR 11 का पाइप है उसकी थिकनेस ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकता है और इसका कॉस्ट भी होगा वो ज्यादा कॉस्ट होता है। अब हम देखते हैं प्रेशर कैसा है, प्रेशर रेटिंग कितना हैंडल कर सकता है। अब हमको पता है कि HDR 11 का जो पाइप है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है कंपेयर टू HDR 13.5 के, तो अब आप देखेंगे एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग सजेस्ट करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर HDR का पाइप है तो 27.6 kg का प्रेशर हैंडल कर सकता है। अब HDR 13.5 का है तो वो 21.80 का प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो अब आपको चेक करना है कि आपका जो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है उसके हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कि 13.5 का जो रेट है वो कम होगा कंपेयर टू 11 के। तो आपको देखना, अगर मान लीजिए आपका मैक्सिमम प्रेशर जो है वो अराउंड 10 टू 12 के बीच में 15 के बीच में है तो आप HDR 11 की जगह पे HDR 13.5 भी चल सकता है। अगर मान लीजिए प्रेशर आपका 20 के ऊपर है तो वहां पे आपको HDR 11 की पाइप सेलेक्ट करना है। तो अब आप देखिए, जैसा मैंने बताया था ना कि 93 डिग्री सेल्सियस तक ये पाइप हम लोग यूज करते हैं, तो आप देखिए 93 डिग्री सेल्सियस पे भी HDR 11 की पाइप 5.52 का प्रेशर हैंडल कर सकता है और HDR 13.5 का जो पाइप है 4.36 kg का प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टेंपरेचर पे अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है, तो आप सोचिए इतना हाई टेंपरेचर लिक्विड को भी ये हैंडल कर सकता है और वहां पे भी अराउंड 5.52 kg का प्रेशर वो हैंडल कर सकता है पाइप। तो आप सोचिए इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल पीवीसी पाइप के। अब टिल 50 mm तो हम लोग HDR यूज करते हैं, उसके ऊपर जब जाते हैं तो हम शेड्यूल यूज करते हैं। नॉर्मली जो हम शेड्यूल 40 और शेड्यूल 80 ये दो स्टैंडर्ड से हम जो यूज करते हैं, शेड्यूल 40 और शेड्यूल 80 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैक्सिमम कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है उसके उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखेंगे 65 mm का पाइप है, 65 mm का पाइप अगर शेड्यूल 40 में आप खरीदने जाएंगे तो 5.16 से 5.77 थिकनेस में मिलेगा, अगर आप शेड्यूल 80 में जाएंगे तो 7.1 से 7.85। आप देखिए वहां पे HDR में क्या हो रहा था, जैसे हम HDR की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे वैसे ही थिकनेस आपका क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, बट यहां पे नहीं है। यहां पे जैसे ही आप क्या नाम है शेड्यूल की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, शेड्यूल 40 शेड्यूल 80 में जा रहे हैं, आपकी पाइप की जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सेम अगर आप 104 इंच का पाइप देखेंगे तो 6 mm की थिकनेस आपको मिलेगा 6 से 6.73, और अगर आप शेड्यूल 80 में जाते हैं तो 8.56 से 9.58 ये थिकनेस आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप क्या नाम है, अगर आपको हायर प्रेशर रेटिंग का पाइप चाहिए तो आपको शेड्यूल 80 सेलेक्ट करना है, लोअर रेटिंग का चाहिए तो शेड्यूल 40 सेलेक्ट करना है। अब हम देखते हैं कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। एग्जांपल देखते हैं 65 mm का पाइप, आप 27 डिग्री सेल्सियस पर 21.09 kg का प्रेशर हैंडल कर सकता है। अब अगर शेड्यूल 80 का पाइप देखेंगे जिसका थिकनेस देखिए 7.1 है, इसका 5.16 था, जैसे ही आपने इसका थिकनेस इंक्रीज कर दिया ये 29.53 का प्रेशर हैंडल कर सकता है। अब हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, 93 डिग्री सेल्सियस पे 65 mm का पाइप शेड्यूल 40 का रेटिंग का पाइप जो है वो 4.22 kg का प्रेशर हैंडल कर सकता है और सेम स्पेसिफिकेशन में शेड्यूल 80 का जो पाइप है 5.91 का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। तो आपको जो भी पाइप खरीदना है पहले आपको चेक करना है कि मैक्सिमम प्रेशर आपकी जो आपकी लाइन है उसमें कितना हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका शेड्यूल पहले डिसाइड करना है, क्योंकि जो फ्लो होगा फ्लो से आप पाइप का डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे बट उसका जो प्रेशर रेटिंग है उसका जो थिकनेस कितना होना चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्सिमम प्रेशर कितना है। मैक्सिमम प्रेशर एक बार कैलकुलेट करके उसके हिसाब से या तो शेड्यूल
पाइप अगर 65 के ऊपर है तो आपको शेड्यूल 40 या शेड्यूल 80 में जाना है, या तो अगर कम अगर उसका डाया कम है तो आपको एचडीआर के अकॉर्डिंग पाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कि आप कौन से पाइप। अगर शेड्यूल 80 का पाइप देखेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू शेड्यूल 40 की। अगर जरूरत नहीं है तो आप हायर प्रेशर रेटिंग का पाइप सेलेक्ट मत करिए, क्योंकि क्या होता है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है। और सीपीवीसी पाइप बहुत जगह यूज होता है, इसका यूज हम लोग डोमेस्टिक वाटर के लिए भी करते हैं और इसका किचन वाटर के लिए भी, बाथरूम के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, तो इसका जो क्वांटम होता है प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए इसका जो सिलेक्शन है कौन से प्रेशर रेटिंग पे जाना है वो आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।